मैं अमर को यहाँ से नहीं लेके जाने दूंगी। ये गलती मैं तुझे दोबारा दोहराने नहीं दूंगी। हमें रोकने में ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होगा अदालत में। एक मिनट, मुझे अपने ससुर की बात करनी। हमारे घर के बेटे को जेल पहुंचा, अपनी पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर आज तुमने बहू होने की मर्यादा लांघी है कीर्ति। चाची जी, अगर एक बार और अपनी मर्यादा आप लांघी तो भूलिए मत, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने की जरूरत में हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, तुम तो यही चाहती हो ना कि धीरे धीरे हमारे घर के सब लोगों को तुम जेल पहुंचा दो। तो फिर ठीक, वैसे भी इस घर में तुम्हारे साथ रहने से बेहतर ये होगा कि हम अपने बेटे के साथ जेल में रहें। लो, लगाओ लगाओ हथकड़ी, चलो। अरे सोच क्या रही हो, पहनाओ हमें हथकड़ी। चाची जी, बंद करिए अपना ये तमाशा। आखिर आपने हमें मजबूर कर ही दिया कि हम आपको गिरफ्तार करें। लाओ हथकड़ी। दीदी, तुम पागल हो गई है क्या? आप इन्हें नहीं देख रही? कीर्ति, तू इनके बेटे को इनसे छीन रही है, वो भी तब जब उनके ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम गलत है, तो इसके अलावा और क्या उम्मीद करती है तू? सही गलत का पाठ नाम हमें नहीं सीखना। हम आईपीएस कीर्ति और हमारे लिए हमारी ड्यूटी सबसे ऊपर है। कीर्ति प्लीज, ऐसा मत कर। कीर्ति, अपनी अफसरगिरी थाने में दिखाना इस घर में नहीं, छोड़ो उमर भाभी को। बस करिए, हम आप सबको ना आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। तो हम उन्हें गिरफ्तार करने में एक बार भी नहीं सोचे। नहीं गीति, मैं तुझे मम्मी जी को ले जाने नहीं दूंगी। थोड़ा उनका हाथ छोड़। मैं अभय को अरेस्ट करके ले जा रही हूँ और इसीलिए सारे लोग गुस्सा है मेरे से। उनको लग रहा है कि मैं पुलिस हूँ लेकिन मैं फैमिली मेम्बर भी हूँ और मैं अभय को गलत समझ रही हूँ। बट एज अ पुलिस मुझे लगता है कि वो चोर है, इसलिए मैं उसको अरेस्ट कर रही हूँ। देखा जा रहा है कि माँ भी काफ़ी गुस्सा हो रही है आपको सपोर्ट करने के बजाय, और श्रद्धा भी आपके अगेंस्ट जा रही है।
मुझे लगता है मेरी मम्मी को श्रद्धा ने कुछ तो किया है, कोई पाठ पढ़ाई है। एनीवेज मम्मी भी गुस्सा हो रही है, मम्मी को लग रहा है कि मैं गलत हूँ, और आई थिंक श्रद्धा ने उन्हें बताया है कि चोर अभय नहीं कोई और है हमारी फैमिली मेंबर का, और यही रीज़न है कि मम्मी मेरे पे गुस्सा हो रही है। बहुत सारी चोरी की है, गैंग है बब्बर शेर गैंग, उनके बॉस हैं ऐसा मुझे लगता है, और ज्वेलरीज हुई हैं चोरी, पैसे चोरी हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी पहुंचाई हैं उस गैंग वालों ने, तो मुझे लगता है कि ये सब बब्बर शेर गैंग के मेंबर्स ने जो किया है अभय के कहने पे किया है। हाँ मैंने अभय को देखा है चोरी करते हुए, और इसीलिए मुझे यकीन है, मास्क देखा मैंने, उसका आईडी कार्ड देखा, जब मुझ पे हमला हुआ था जो कि कुणाल ने किया था, लेकिन आईडी कार्ड मुझे अभय का मिला था, तो वो सारी चीज़ें बिल्डअप होते होते मुझे ऐसा लगने लगा है कि अभय ही है। थैंक यू।